रोजगार के लिए बेरोजगार युवक युवती किसी भी कोने तक जाने तैयार हैं, साथ ही वे कई तरह के भ्रामक प्रचार में फंस भी जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दुर्ग साइंस कॉलेज में सामने आया, जहां छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों से बेरोजगार एक वायरल पोस्ट को देखकर पहुंच गए। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें महज साइंस कॉलेज के लिए निकाला गया था वह सूचना नोटिस किसी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में वायरल हो गया, जिसे पढ़कर विभिन्न जिलों के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवती दुर्ग स्थित साइंस कॉलेज पहुंच गए। और जब उन्हें ये पता चला कि निकला हुआ नोटिस सिर्फ साइंस कॉलेज के बॉयज स्टूडेंट के लिए था, तो वे भड़क उठे। काफी समय तक उन्हें कॉलेज प्रबंधन द्वारा समझाइश दी गई, लेकिन बेरोजगार युवक युवती अपने साथ हुए छल से आक्रोशित नजर आए। हम बता दें, विश्वनाथ यादव तामस्कर कॉलेज साइंस कॉलेज के द्वारा पूर्व में अपने स्टूडेंट्स के लिए कैंपस की मांग वेदांता बालकों से की गई थी, जिस पर वेदांता बालकों ने 22 अप्रैल को ईमेल के जरिए मेल वर्कर की सीट के लिए डिमांड नोटिस साइंस कॉलेज जो कि जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉलेज प्रबंधन ने अपनी तरफ से लगभग 100 बच्चे सेलेक्ट किए थे, जिनमें स्वाहर्ता के मुताबिक बालकों ने 25 बच्चों का चयन भी किया था। इनमें से कुछ ही बच्चों का फाइनल चयन करना था, लेकिन इस बीच बालकों से निकला नोटिस और अपने स्टूडेंट्स को देने वाला साइंस कॉलेज का नोटिस सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी। बालकों के द्वारा वायरल नोटिस में सीधी भर्ती का जिक्र किया गया है, तो वहीं साइंस कॉलेज के द्वारा दिए गए नोटिस में अपने द्वारा चयनित बच्चों को 18 मई यानी आज के दिन के साक्षात्कार और परीक्षा के लिए नोटिस अपने यहां अध्ययनरत बच्चों को ही भेजा गया था, लेकिन ये मैसेज किसी स्टूडेंट के जरिए सभी तरफ वायरल हो गया। दोनों ही तरफ से अपनी बातों को रखा गया। स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्हें ऐसे नोटिस से यहां तक आने में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियाँ उठानी पड़ी है। इस संबंध में पीड़ित स्टूडेंट और कॉलेज प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी। मैंने वेदांता बालकों से मतलब प्लेसमेंट के लिए बुलाया गया था, तो उसके लिए हम लोग आए थे कि मतलब उसमें जॉब लग जाए करके। क्या हुआ यहाँ? यहाँ आने के बाद पता चला कि ये इसी कॉलेज का है और यहाँ सिर्फ मेल लोग ही मतलब कि कर सकते हैं। फीमेल लोगों को हटाया जा रहा था, निकलो आप लोग करके मैम बोली कि आप लोग निकलो, गर्ल्स निकलो, यहाँ गर्ल्स लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ अगर होगा भी प्लेसमेंट होगा तो बॉयज़ लोग का ही होगा, गर्ल्स लोग का कोई काम नहीं है। हाँ, मैं भी मतलब कि वो नोटिस देखकर पहुँची थी। मेरे भी मतलब बालकों में काम करते हैं और मेरे कॉलेज के टीचर लोग ही भेजे थे नोटिस को। खिलवाड़ बहुत बड़ा खिलवाड़, हाँ, समय भी बर्बाद हुआ है हम लोग का, पैसा तो लगा ही। हाँ, सारे लोग का हो और हो भी तो सबको मतलब बुलाया जाए और पर्टिकुलर नोटिस दिया जाए बाकायदा। यहाँ के लिए भी है तो उसको भी बोला जाए। इन लोग बोल रहे थे कि हाँ, पहले से हम लोग 50 जने स्टूडेंट लोग का नाम दे चुके हैं, उनमें से 25 लोग का नाम आया है, उन्हीं लोग का इंटरव्यू होगा, उन्हीं लोग का रिटर्न टेस्ट होगा। जो मेल आया था, हम लोगों ने उस वेदांता कंपनी से एक लेटर ड्राफ्ट किया था कि हमारे कॉलेज में कैंपस करवाना है, तो उनको मेल कैंडिडेट चाहिए थे और उन्होंने मेल किया था कि हमको इतने कैंडिडेट मेल कैंडिडेट चाहिए। तो उसके बाद हमने अपने कॉलेज, उन्होंने एक लिंक भेजा था और उस लिंक के थ्रू हमने अपने कॉलेज के बच्चों को रजिस्टर करवाया था। और ये जो रिक्रूटमेंट था वो केवल हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए था और उसमें पहले से ही क्लियर मेंशन है कि मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद ये 24 अप्रैल को हम लोगों ने ये नोटिस किया था। बाद में ये वाला इंटरव्यू हमको 3 अप्रैल को करवाना था, पर बच्चों के एग्ज़ाम थे, इसकी वजह से हमने उसको पोस्टपोन करते हुए 18 को किया। और उसके बाद वेदांता वालों ने हमको वो फिल्टर करके 25 बच्चों का नाम भेजा। हमने उस 25 बच्चों का नाम सेलेक्ट करके और उन बच्चों को हमने व्हाट्सअप किया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कॉलेज के प्लेसमेंट का एक ग्रुप बना हुआ है और जैसे ही कंपनी आती है हम लोग उनका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लेते हैं। तो जब हमने उनको ये मैसेज किया तो ये मैसेज किस तरह से वायरल हुआ ये हम लोग को नहीं मालूम, और उसमें पहले से ही मेंशन है कि केवल हमको मेल कैंडिडेट चाहिए। तो ये जो काफ़ी सारे कैंडिडेट आए हुए हैं वो कैसे आए हैं, ये कॉलेज मैनेजमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रूफ है कि हमने
केवल अपने कॉलेज के बच्चों के लिए इसको किया था। 25 बच्चों का लिस्ट हमने उनको दिया है, दिखाया है, ये हमारे पास एक्सेल की सीट में है, यहाँ तक कि हम वहाँ पर जो कैंडिडेट आए हुए हैं उनको भी हमने दिखाया है, ये 25 बच्चों का लिस्ट है। इसका तो कोई हमको आइडिया नहीं है, पर ये कहीं से मैसेज वायरल हुआ है और ये मैसेज केवल हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए था। अब ये तो हम लोगों ने स्थगित कर दिया है कि शायद अब ये कंपनी हमारे यहाँ ना आए, उनका तो लॉस हुआ ही है पर उसके साथ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट का भी काफ़ी लॉस हुआ है, क्योंकि ये कंपनी के नाम से ही इतने सारे जो 200-300 लोग आए हुए हैं, पर हमारे बच्चों का ज़्यादा लॉस हुआ है इससे। इस मिला था वेदांता के माध्यम से, वो प्लेसमेंट के लिए रखा गया था, उसमें ये क्लियर नहीं था नोटिस में कि सिर्फ बॉयज़ लोगों के लिए है, गर्ल्स लोगों के लिए नहीं है, और पूरा ओपन करना चाहिए, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे वो नोटिस निकला हुआ है जिसमें कहीं के भी बच्चे आ करके यहाँ पे प्लेसमेंट में शामिल हो सकता है, जो कि यहाँ आने के बाद पता चला कि गर्ल्स लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ बॉयज़ लोगों के लिए है, और वो भी सिर्फ इसी कॉलेज के बॉयज़ लोगों के लिए है, बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी नोटिस में ही गलती निकली है, उसमें तो बॉयज़ का ही है करके ये तो डिक्लेयर है ही नहीं ना। हमको तो व्हाट्सअप के माध्यम से हमको वायरल मिला है, नहीं अखबार में नहीं मिला है वायरल, हमको व्हाट्सअप में मैसेज आया। तकलीफ ये हुई तो हम तो कल के आकर के रायपुर में रुके हुए हैं, उसके बाद सवेरे 5 बजे के ट्रेन पकड़ के यहाँ दुर्ग में आए, अभी तक हम नाश्ता पानी भी नहीं किए हैं, यहीं बैठे हैं आ करके सुबह से, तो हमारी आर्थिक सभी तरह से हम परेशान हैं। हमारे मैं तो कहती यहाँ पे ओपन प्लेसमेंट होना चाहिए सारे बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, सब मेहनत करके आए हैं, इतने धूप में यहाँ खड़े हैं बिना खाना पानी सब चीज़ के, तो होना चाहिए सबके लिए प्लेसमेंट। मिली थी कि आज यहाँ प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है बालकों के तरफ से, तो सारे जितने MSc बैचलर्स हैं जो अभी जस्ट फ्रेशर वो हुए, पास आउट हुए हैं, वो सारे लोग सर यहाँ प्लेसमेंट कैंप में आए थे ताकि हमारे यहाँ जॉब के लिए वैकेंसी है। ऐसा जो यहाँ से लेटर निकला था उसमें ऐसा मेंशन था कि 21, 22, 23, 24 मतलब 23 तक के जो विद्यार्थी हैं MSc फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, उन लोगों का यहाँ प्लेसमेंट कैंप है वेदांता बालकों की तरफ से। उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि वो सिर्फ इसी कॉलेज वालों के लिए है या सिर्फ आपका लड़कों के लिए है। यहाँ आने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो सिर्फ इसी कॉलेज वालों के लिए था, और उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि वो सिर्फ लड़कों के लिए था, और लड़कियाँ भी आई हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, मैं खुद जांजगीर चांपा से आया हूँ। ये हमको जो बालकों में एम्प्लॉई हमारे कोई रिलेशन है वो काम करे वही भेजे थे, हम पूछे भी थे तो वो बोले इसी कॉलेज के, यहाँ के जो कॉलेज का नंबर है उन पे हमने 3 बार 4 बार कॉल किया, ना कोई कॉल रिसीव कर रहा, नंबर गलत बता रहे हैं। यहाँ सर आज हम लोग का सीधा इंटरव्यू होना था, मतलब रिज्यूम देते अपना, सीधी भर्ती था, तो जितने भी टॉपर्स हैं जो भी हैं MSc पास आउट हैं अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स में, वो सारे पूरे छत्तीसगढ़ से आए सर। और अभी यहाँ बोला जा रहा है कि आपका ऐसा है कि सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए था, सारा प्रोसीजर कुछ पहले हो चुका है, फॉर्म भरा जा चुका है, अभी सिर्फ जो 25 यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं उनका होगा करके, पर 25 के इनके पास लिस्ट भी नहीं है, सिर्फ 20 का लिस्ट है। एक बार बोल रहे हैं कि बालकों से था, फिर बोल रहे हैं कि झारसुगुड़ा से आने वाली थी टीम, अभी बोल रहे हैं कि वो आए ही नहीं। हम बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर यहीं के स्टूडेंट के लिए था तो आप हम लोगों को एक बार बात करा दीजिए उनसे, फिर हम लोग चले जाएंगे उनसे बात करके, कि वो लोग समझाते हमको कि सिर्फ ऐसा ऐसा था तो हम लोग सब चले जाते, पर यहाँ के टीचर लोग ऐसा कुछ उनसे ना बात करा रहे हैं, जो नंबर दिए हैं 2 नंबर वो ना कोई कॉल उठा रहे हैं ना कोई रिसीव कर रहे हैं। जी सर, मैं जांजगीर चांपा से हूँ, अकलतरा से। अपन सर 4 आए हैं अपने कॉलेज से, बाकी बिलासपुर से, दुर्ग, इधर उधर बाकी सारे ज़िलों से आए। सर हम चाहते हैं कि ऐसा भ्रम ना फैलाया जाए, जो भी नोटिस अगर निकल रहा है कॉलेज से तो उसमें बाकायदा लिखा जाए जो भी प्रोसीजर है। अभी जो नोटिस बोर्ड में तो जो वो टंगा है लेटर, तुरंत वो लोग प्रिंट किए हैं, तुरंत लगाए हैं। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ है, समय वेस्ट हुआ है, इतने सारे कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं सबका, किसी का मेंस निकल रहा है, किसी का ऐसा ही का है, सब अपना भर्ती का तैयारी छोड़ के सर पूरा टाइम निकाल के अपना इतने धूप में आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।